बिग बॉस 17 में अपनी वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर फाइनली अंजलि अरोरा ने चुप्पी तोड़ी है और इसी के साथ उनका गुस्सा भी फूटा है जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिग बॉस 17 को लेकर ऑफर किया गया था अंजलि अरोरा को, जी हाँ, जहां खबरें आ रही थी कि अंजलि अरोरा जो है वो वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर घर में आने वाली है। वेल, हम आपको बता दें कि इसी के साथ एक और चीज हुई सोशल मीडिया पर, वो ये कि अंजलि के नाम को मुनावर के नाम से जोड़ा जाने लगा और ऐसा कहा जाने लगा कि घर के अंदर अंजलि जो है वो आने वाली है मुनावर के अगेंस्ट गेम खेलने के लिए। इस बात पर अंजलि का गुस्सा फूटा, एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया अंजलि ने अपने इंस्टाग्राम पर। अंजलि लिखती है, इफ आई विल बी एंटरिंग एनी शो आई विल बी गोइंग सिंगल ऑन माई ओन एंड ऑन माई मेरिट, नॉट टू प्रूव और शो एनीवन एनीथिंग बट टू प्ले फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई फैंस एंड मेक माई फैमिली प्राउड। Speculations are all right, but one has no right to tag me along with anyone. Be respectful, try refraining yourself by leaking such meaningless releases which overshadows someone's hard work. Dear media, it's high time you will maintain peace not only with actions but with your words as well. Love and light, Anjali. जी हाँ, अंजलि ने साफ कर दिया है कि स्पेक्यूलेशंस जो है वो तो होती रहती हैं, लेकिन उनके नाम को मुनावर से जोड़ा जा रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वेल, देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या वाकई में बिग बॉस के घर के अंदर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर आती है अंजलि अरोरा। वेल, इस पूरी अपडेट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बिग बॉस 17 से जुड़ी हुई इसी तरह की ढेर सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।